हमारी ज़मीन दरअसल पानी की एक दुनिया है। हमारी दुनिया का तकरीबन 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इस तरह लगता है कि ये दुनिया सिर्फ मछली खाने वाले परिंदों और माहीगीरों के लिए बनाई गई थी, मगर आज पूरी दुनिया में माहीगीरी ख़त्म हो रही है और समंदर में मछलियां गायब हो रही हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? एक दिन 2006 में ये खबर सुनी कि हमारी दुनिया का एक हिस्सा, यानी वो जज़ीरे जहां हमारे हज़रत यूसुफ शाह का मज़ार है, बैरूनी सरमाएकारों को फरोख्त किए गए हैं। हमसे तो किसी ने भी नहीं पूछा, लेकिन क्यों? जब भी कराची का ज़िक्र होता है तो ज़हन में फ़ौरन समंदर का तसव्वुर आता है। समंदर की अपनी तासीर है। कराची का शुमार यूं तो कभी भी पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ कराची के पास है वो किसी और शहर के पास नहीं, और वो है मीलों तक फैला हुआ खूबसूरत नीला समंदर। यही समंदर कराची को सबसे जुदा और मुनफरद बनाता है। सिंध के साहली इलाकों में कराची की अहमियत हमेशा से बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि यहाँ बास कुदरती वसाइल पोशीदा हैं, यानी माहीगीरी का इलाका, और सबसे बढ़कर तिमर या मैंग्रोव्स के जंगलात मौजूद हैं जिन पर माहीगीरी का इन्हिसार है। कुदरत के अता करदा इस तोहफे यानी समुंदर के सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये सबके लिए था, अमीर हो या गरीब। इसके पानियों पर सबका हक बिल्कुल एक जैसा था और सब ही इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। ये तो माजी की बातें हैं, अब इस तक रसाई सिर्फ अमीरों तक महदूद होती जा रही है। यूं समझिए कि अल्लाह ने फितरत के जिस तोहफे को हर इंसान के लिए पैदा किया था, उसके वसाइल किसी काबिल फरोख शय की तरह नीलाम हो रहे हैं। इलाके के बारे में ज़्यादा लोग वाकिफ़ नहीं, जहाँ एक तरफ तो उसका तहफ्फुज़ नहीं किया गया और उसकी जानिब से लापरवाही बरती गई, वहीं इसके वसाइल को लूटा भी गया। लूटने वाले वही हैं जिन्हें छोटे माहिगीर पसंद नहीं, सिर्फ बड़े सरमायाकार पसंद हैं। आज ख्वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में पानी में नज़र आ रहे हैं। आज यकीनन कोई ख़ास दिन है, लेकिन आखिर ये माहिगीर जा कहाँ रहे हैं? कराची वालों को ज़रा खबर नहीं कि वो कैसी खूबसूरत मंजर को देखने से महरूम है, क्योंकि आज से पहले ज़राए अबलाग ने इसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं। हर साल नवंबर के महीने में माहीगीरी बरादरी यूसुफ़ शाह का उर्स बड़े जोश व खरोश से मनाती है। वहाँ जाकर वो अपने दुख इन्हें सुनाती है और अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआएं करती है, और उर्स के मौके पर 3 रोज़ा मेले से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मेल मुलाकात भी करती है और नए दोस्त भी बनाती है। इस दिन की गहमा गहमी के अलावा और भी कुछ सामने आ रहा था। ये एक एहतजाजी रैली है जो ख़तरे का शिकार जज़ायर और समुंदर के मसाइल पर आवाज़ उठाने के लिए निकाली जा रही थी। एहतजाज उन लोगों के ख़िलाफ़ था जिन्होंने शहरियों से उनकी मर्ज़ी मालूम किए बगैर माहीगीरों को बेयार और मददगार करके इनकी दुनिया बैरूनी सरमायाकारों को फरोख कर दी, हालांकि ये अवामी असासा था जिन पे हर शहरी का हक था। हज़ारों रंगारंग झंडे फिजा में लहरा रहे हैं, हर शख्स खुश है, लेकिन बदकिस्मती से कराची वाले इस मुनफरद तजर्बे से महरूम हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ तक लाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही दस्तियाब नहीं।
نہ ہی ایسی کشادہ کشتیاں موجود ہیں جو ساحل سے جزائر یا پھر جزیرے سے جزیرے تک لوگوں کو پہنچانے کی سہولت فراہم کر سکیں۔ مقامی لوگوں کے لیے تو جیٹیاں بھی موجود نہیں۔ ماہی گیروں کی ترقی کے لیے یہاں کوئی کام نہیں ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقامی لوگ پھر بھلا سفر کس طرح کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی اپنی کشتیاں ہیں، لیکن ان کشتیوں تک پہنچنے کے لیے انہیں گہرے اور ٹھنڈے پانی میں اترنا پڑتا ہے، اور ہمارے شہری عام طور پر پانی میں اترنے اور مسلسل گیلے کپڑے پہنے رہنے سے گھبراتے ہیں، جبکہ مقامی لوگوں کے پاس انتخاب کا موقع نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ سمندر کا افق درجنوں کشتیوں سے رنگین ہو رہا ہے۔ کسی مصور یا عکاس کے لیے تو یہ منظر انتہائی دل لبھانے والا ہے۔ یہ ایک چمکتا ہوا دن ہے۔ بہت سے نوجوان کشتی کے سامنے یا اگلے کھلے حصے کی طرف کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ سفر تھا۔ یوسف شاہ 400 سال قبل یہاں رہتے تھے اور یہاں پر دفن ہوئے۔ ماہگری برادری بندار جزیرے پر جا کر یوسف شاہ کی مزار پر اپنے عقیدت کا اظہار کرتی ہے۔ Thank you.
اس بار وہ اپنے تباہ ہوتے ہوئے مستقبل کے لیے بھی دعائیں کر رہی ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ان سے ان کا گھر اور روزگار کوئی چھین لے گا، اور ان کا یہ خوف واقعی حقیقت بن رہا ہے۔ انہوں جو مقصد صرف یہ ہوئی ہے تو اسا پنجا حق بچائے سکوں۔ یہ کراچی جکا ماہی گیرن جو گوٹھ ہو یا تاریخ کی حقیقت ہے، پر ان گوٹھ میں اساں کے ریڈ انڈین کی طرح تڑے کڈیو ویو ہے، اسانجا حق غضب کیا ویا ہے ایترے قدر جو ہانے اسانجا جکے روزگار جا ذریعہ ہیں وہ بھی تباہ تھی رہے ہیں۔ اس دن کے اختتام پر وہ سب اپنے اپنے گھروں کو تو روانہ ہو رہے ہیں، لیکن اپنے روزگار پر ممکنہ حملے کے ایک نئے خوف کے ساتھ، اور اس خوف کا تعلق تمر یا مینگروف کے جنگلات سے ہے۔ پچھلے کچھ برسوں سے افسر شاہی، حکومت کی غفلت اور بڑے نجی اداروں کے استحصال کے باعث ان کے روزگار کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ایک ناواقف انسان تو اس موقع پر یہ سوال کر سکتا ہے کہ تمر کے جنگلوں سے بھلا ہمارا کیا لینا دینا، یہ تو فرنیچر بنانے کی لکڑی تک پیدا کرنے کے قابل نہیں، ویسے بھی ان کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لیکن حقیقت جاننے والے جانتے ہیں کہ سمندری حیات کے بڑے حصے کا آغاز تمر کے انہی جنگلات سے ہوتا ہے۔ یہ 300,000 ماہی گیروں کی دنیا ہے جن کا روزگار انہی مینگروز کے جنگلات سے چلتا ہے۔ جھینگوں اور مچھلیوں کی بہت سی اقسام یہیں انڈے دیتی ہے۔ دراصل تمر کے جنگلات ایک ایسا قدرتی ماحول پیدا کرتے ہیں جو کہیں اور پایا نہیں جاتا، اور جو سمندری حیات کی نرسری کا کام دیتا ہے۔ اس فطری جگہ پر شکاری جانوروں سے الگ تھلگ ان کی محفوظ انداز میں پرورش ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ گہرے سمندر میں آزادی سے زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ علاقہ ملک کے لیے بھاری زر مبادلہ بھی کماتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے وسائل چھین کر چند دولت مندوں کو مزید اور دولت مند بنا دیتا ہے۔ گھر جاتن سے بھر ان واپیوں کو ان میں کرے پوئے ان میں بور رجوع تھا بور ان میں رجوع تھا کھیلنا باقی ستم پھٹی ہوا سن بند تھی ویو ہاں تا جا پیا ونجن سے پہ تھوڑا دریا کے دوئی چھڑی دریا کے اسن دوئی چھڑی انیا وٹھن تھا سے ہاں تا وٹھن تا اسی تے بھکھے سن اساں نے دور وٹھن تھا انی کے تم ائی پ موت وہ ادا اللہ سائیں انی کے سانیا لیندو این جے کو اساں جی جند چھڈین اساں جی مائی گرن جی جند چھڈین اللہ انی کے صبر دے اللہ انی کے۔ لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بہت ساری وجوہات، لالچ، آلودگی، بہت زیادہ مچھلی کا شکار اور دوسرے ملکوں کو ترجیح دینا مگر اپنے لوگوں کو نہیں۔ کھلے سمندر میں کچھ فاصلے پر نکلتے ہی ہمیں اچانک ایک تیز ناگوار بو کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سمندر میں گندے پانی اور صنعتی وزرا کا نکاس ہے۔
ये बदबू इतनी तेज है कि कोई इंसान इसे चंद सेकंड से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई कश्ती इस इलाके से गुजरना ही नहीं चाहती। ये जो पानी में साया नजर आ रहा है, ये कश्ती का नहीं है, ये दरअसल मटियाला पानी है जो पानी में हल नहीं हुआ है। यकीनन ये जहाज या फैक्ट्री या दोनों की फेंकी हुई गंदगी या फुजला है। समंदर का ये हिस्सा दरअसल मुर्दा हो चुका है। सालों से इतनी गंदगी फेंकी गई है कि अब यहाँ पर कोई चीज़ जिंदा नहीं रह सकती। मसला ये है कि जैसे जैसे आलूदगी बढ़ती जा रही है, ये मुर्दा इलाका भी बढ़ता जा रहा है। खदशा है कि आखिरकार ये पूरा साहिल समंदर को अपनी लपेट में ले लेगा, जहाँ मछलियों की अफजाइश नस्ल होती है। हकीकी मुजरिम कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में फैले हुए हैं। कराची की तमाम तर गंदगी या वेस्ट को समंदर में आसानी से बहा दिया जाता है। दरिया सिंध भी दूसरे शहरों की गंदगी अपने साथ लेकर समंदर के हवाले कर देता है। इस गंदगी में सिर्फ गटर का पानी ही नहीं शामिल होता, बल्कि सनती और ज़राई वेस्ट भी होता है, जिसमें इस्तेमाल शुदा गंदा तेल और जहरीले केमिकल्स शामिल होते हैं, जो सिर्फ इंसानों ही के लिए ख़तरनाक नहीं होते, बल्कि समुद्री पौधों के लिए भी जानलेवा हैं। बरसों से ये गंदगी इसी तरह पानी में जमा हो रही है। दूसरी तरफ ज़रा इस गटर के पानी का और सनती फजला का तस्वर कीजिए, जो 1,60,00,000 अफराद, तमाम छोटे बड़े सनती अदारे और फैक्ट्रियाँ रोज़ाना पैदा करते हैं। ख्याल ये है कि अगर गंदा पानी और सनती फजला अगर बहुत सारे ताज़ा पानी में मिला दिया जाए तो ये अपना मुहल्लिक असर छोड़ देता है। ये दावा कुछ हद तक दुरुस्त भी है, मगर दुनिया में इतना पानी मौजूद ही नहीं कि वो लामहदूद आलूदगी और जहर की खराबियों को अपने अंदर जज्ब कर ले। वैसे भी दुनिया ये हद बहुत पहले ही पार कर चुकी है। ये ख्याल भी गलत है कि आबी हयात के लिए साफ़ पानी की ज़रूरत नहीं है। मछलियों को भी साफ़ पानी की इतनी ही ज़रूरत होती है जितनी इंसानों को। हाँ, ये ज़रूर एक हकीकत है कि मछली और दीगर हयातात वेस्ट को ख़ुद में जज्ब कर लेते हैं, लेकिन इसकी भी एक हद होती है। वो हर किस्म की गंदगी जज्ब नहीं कर सकते, खसूसन सनती तेल और केमिकल्स, जो मछलियों और मैंग्रोव्स को जहर आलूद करके आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। इस शहर की ख़राब हालत किसी से छुपी हुई नहीं है, ये अपने गंदगी को खुद ठिकाने लगाने में नाकाम हो चुका है। साहिली इलाकों के 3,00,000 बाशिंदों का रोज़गार का इन्हिसार माहीगीरी पर है और माहीगीरी का मैंग्रोव्स पर। इन दोनों की अच्छी सेहत और ज़िंदगी के लिए पानी को साफ रखना इंतहाई ज़रूरी है। मैंग्रोव्स या तिमर इन इलाकों में उगते हैं जहाँ दरिया समंदर में आकर गिरता है, लिहाजा ये मैंग्रोव्स इंडस डेल्टा के निचले हिस्से, साहिली पट्टी, क्रीक्स और कराची के जज़ायर में पाए जाते हैं। बहुत कम लोग इसकी अहमियत से वाकिफ़ हैं, क्योंकि ना तो तालीमी इदारों में इसकी अहमियत के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है और ना ही पार्लिमानी प्लानिंग के इदारों में इस पर कोई बात होती है। ये क्या आखिर मैंग्रोव्स की जड़ों पर दूर दूर तक काली रबर नुमा शीटें क्यों पड़ी हुई हैं? जब करीब आए तो समझ में आया कि ये क्या है। तेल की गंदी गट, कीचड़ और ज़मीन पे बहते हुए पानी की गंदगी तिमर की जड़ों पर आकर चिमट जाती है और जमना शुरू हो जाती है। इस वजह से तिमर की जड़ें सांस लेने से कासिर होकर मुर्दा होने लगती हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंग्रोव्स के मौजूदा दरख्त मर रहे हैं और नए दरख्तों के उगने में वो चमकदार मोटी तय हायल हो गई है। बंदरगाह और सनती इलाकों का बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही मैंग्रोव्स की हिफाजती जंगलात से महरूम हो गया है। जैसे जैसे तेल और दूसरे वेस्ट में इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे पानी से नज़दीक मैंग्रोव्स गायब होते जाएंगे। मीलों तक इन जंगलात का खात्मा हो गया है। किसी भी नए पौधे को ये तेल ज़िंदा रहने नहीं देता। 1977 में यहाँ मैंग्रोव्स के जंगलात
263,000 हेक्टर पर फैले हुए थे। सन 2000 में ये घटकर सिर्फ 80,000 हेक्टर रह गए थे। अब इनका एक तिहाई हिस्सा बाकी रह गया है। जाहिर है जब मैंग्रूव्स के जंगलात ही कम होंगे तो नर्सरियां जहां मछली और झींगे अंडे देती हैं भी कम हो जाएंगी। मैंग्रूव्स ख़त्म हो गए तो मछलियां भी ख़त्म हो जाएंगी। चंद बरस कबल एक तवील पाइपलाइन पोर्ट कासिम से लेकर आयल प्रोसेसिंग टर्मिनल तक बिछाई गई। मैंग्रूव्स को बचाने के लिए कंट्रैक्टर्स को करना तो ये चाहिए था कि खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को चंद फासले पर डालते जहाँ पर किसी भी किस्म के पौधे ना होते। लेकिन हुआ ये कि मिट्टी निकालने वाली इन मशीनों ने तमाम मलबा मैंग्रूव्स के दरख्तों पर ढेर कर दिया और इन्हें इसमें दफन कर दिया। नतीजा क्या निकला? ये बंजर टीले। क्या कोई यकीन करेगा कि यहाँ कभी मैंग्रूव्स के जंगलात फैले हुए थे? IUCN का आलमी इदारा उस वक्त से लेकर आज तक महकमा जंगलात के साथ मिलकर मैंग्रूव्स के जंगलात उगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक इस मुहिम में तमाम फरीक, मसलन कराची की शहरी हुकूमत, शहर का सनती इलाका, कराची शिपयार्ड और जहाज़ रानी की सनत और तमाम स्टेक होल्डर्स बेक वक्त आवाज़ शामिल नहीं करेंगे, ये एक मुश्किल टारगेट ही रहेगा। अगर आलूदगी की ये सूरत हाल मज़ीद बदतर होती गई तो मैंग्रूव्स को ज़िंदा रखने के लिए इनकी दोबारा काश्तकारी भी नहीं हो सकेगी। दुनिया की कोई भी माहीगीरी की सनत अपनी अंदरूनी ज़रूरियात और एक्सपोर्ट को एक वक्त में पूरा नहीं कर सकती, और वो भी हद से ज़्यादा। ज़रात की तरह माहीगीरी भी एक हद रखती है। साहिल पर फिशिंग एक महदूद हद तक और गहरे समंदर में इससे कुछ ज़्यादा की जानी चाहिए, मगर इसके बरखिलाफ़ समंदर में अंधाधुंध माहीगीरी की जा रही है। दुनिया भर के तमाम साहिली ममालिक, जिनमें सनती और तरक्की पजीर ममालिक शामिल हैं, इस मसले का शिकार हैं। आज पाकिस्तानियों की अक्सरियत, जिनमें माहीगीर खुद भी शामिल हैं, अपने ही मुल्क में पकड़ी जाने वाली मछली खाने को तरस रहे हैं, क्योंकि उमदा मछली तो पेट भरे मगरिब को बरामद कर दी जाती है और बची हुई मछली मुकामी अमीर ख़रीद लेते हैं। इखलाकी और इक्तसादी एतबार से ये हरगिज़ माकूल पॉलिसी नहीं है। अगर पाकिस्तान में छोटे माहीगीर ना भी हों तब भी गैर महदूद माहीगीरी करना नामुमकिन है। इस वजह से पहले ही बहुत से ममालिक की माहीगीरी की सनत नेस्तो नाबूद हो चुकी है। मैंग्रूव्स के जंगलात और उनके फ़वाद का कोई मुतबादल नहीं है, और इन्हें तबाह करने का मतलब ये है कि मछलियों का सफ़ाया और तेज़ी से हो जाए। इन जज़ायर पर पुरसाइशी, रिहायशी व सियाहती मनसूबे की तामीर की वजह से तेल और तवानाई की भारी और मुसलसल सप्लाई की ज़रूरत होगी, और ये मनसूबे बड़ी मकदार में ऐसा फजला पैदा करेंगे जो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। नतीजतन ना सिर्फ हज़ारों माहीगीर बेरोज़गार हो जाएंगे, बल्कि कुछ अरसे बाद ये जज़ीरे उन अमीरों की रिहाइश गाह के काबिल नहीं रहेंगे जिनके लिए ये शहर बनाए जा रहे हैं। और मेरी जितनी उम्र है, मेरे ख्याल में 40 से ऊपर है मेरी उम्र, मैं यही फिशिंग का काम करता हूँ, माहीगीरी का। हम लोगों का यही रोज़गार जो सदियों से होते आया है, हमारे बाप थे उसके बाप थे वो भी यही करते थे, समझो कि हमारा ये पेशा है। तो अब जो ये नई नई मुसीबतें जो हमारे ऊपर माहीगीरों के ऊपर आ रही है, ये जो शेर बन रहा है नवा, ये भी हमको पता नहीं है कि इस शेर की वजह से हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या मुसीबतें होगी। आसानी तो होगी या नहीं होगी, लेकिन मुसीबतें तो होगी, पता नहीं है। हम इधर से माहीगीरी करने के लिए गुजर भी सकेंगे या नहीं। तो पहले हम बहुत ये होता था कि बहुत नज़दीक जो है फिशिंग करते थे, अपना गुजर करते थे, रोज़गार भी अच्छा होता था। अभी इतना दूर जाना पड़ता है कि 20-40 हज़ार का खर्चा लेकर जाते हैं, वो भी निकलता नहीं है पूरा। तो ये हाल रहा तो हम माहीगीरों का क्या होगा, हम क्या करेंगे? हालिया ये जो जजायर पे शहर जो तामीर गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है, इससे हमें बड़ी तकलीफ़ हुई है, क्योंकि हमारे बच्चों का रोज़गार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जो मैंग्रोव हैं जो आलूदगी से बचाव करते हैं, उनका खात्मा हो जाएगा, और यहाँ जो मछली अफजाइश होती है उनको नुकसान पहुँचेगा, और हमारे जो छोटे छोटे माहीगीर हैं जो जज़ायर पे जाके किनारों पे जो गुजर बसर करते हैं, उनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। इनसे हमारे जो है ना माशी बुरान आ जाएगा, और अभी भी जो है ना
काफ़ी हमारे मजदूरों के मसाइल हैं, जो तेल भरने की वजह से ना कोई बचत होती है मजदूर पका कच्ची में। यहाँ के जो मजदूर औरतें हैं जो पहले खुशहाल गुजारा करती थी, अब वो शहरों में जाके मजदूरी मेहनत मजदूरी करती हैं, उससे गुजारा होता है। और मजदूर बेचारे हैं वो, उनकी हालत अबतर से अबतर होती जा रही है। हम परेशान हैं और हमारे जो मायगिरी तबका है वो बेहद परेशान है। उनको हर तरह से तंग किया जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, उनको माशी तौर पे तबाह किया जा रहा है। ये तो नाइंसाफी है। वो कोर्ट कासम ने पहले ख़त्म किया, अब जो जजायर बनेंगे उससे भी तो हमें मायगिरों को काफ़ी नुकसान होगा। आप यकीन करें, अब इस फील्ड में जितने भी जो है ना बड़े बड़े सरमायादार जो मतलब ब्लैक मनी वाले वो वाइट मनी कर रहे हैं, यहाँ आ गए सारे छोटे छोटे माइग्रे, उनके बच्चे फका कशी में हैं, वो मजदूरी करते हैं, वो कोई उनका परेशान हाल नहीं है। ये सारे हमारे मुल्क हमारे माइग्रे के रोज़गार पे जो है ना डाका आए, लेकिन गवर्नमेंट ना गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है न सिंध गवर्नमेंट इस पर तवज्जो देती है। दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन करते अमली तौर पर कुछ नहीं होता माइग्रों का। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि खुदा रहा माइग्रों पर तर्स खाएँ और उनके बच्चों के रोज़गार जो है उनका तोहफ़ किया जाए, यहाँ का शहर जो है वो न बनाया जाए, बल्कि माइग्रों के जो है ना फिलहाल बहबूद के लिए कोई काम किया जाए तो बेहतर है। अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये इब्राहिम हैदरी बोट है, ये वहाँ इब्राहिम हैदरी की एक जेटी है। ये गोट के जो लोग हैं वो 90% माहिगीर है। ये गोट कराची का बहुत पुराना गोट है, 400 साल पुराना ये गोट है। गोट की जो आबादी है वो 1 लाख से ऊपर की आबादी है। हमारी हुकूमती पॉलिसियाँ जो है वो इस तरह से बन रही हैं, जिस तरह से अब आप देखें कि इस मुल्क में कोई फ़िशिंग सस्टेनेबल फ़िशिंग पॉलिसी नहीं है, लेकिन डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनाई गई है। वो पॉलिसी गैर मुल्कियों को यहाँ पर खुली छूट दे दी गई है उस पॉलिसी के थ्रू कि वो समंदर में आएँ और मछली पकड़ें। यहाँ पर जब पहले कराची पोर्ट ट्रस्ट बना, तो वो जब ट्रस्ट बन रहा था उसमें माहिगीरों के लिए कोई भी सहूलत उस वक्त भी नहीं दी गई। वहाँ पर अभी तक जो है वह हमारे माहिगीर को मुलाजमत नहीं मिली। फिर पोर्ट कासम बना, उसी में भी ये कहा जा रहा था कि हमारे इलाके के लोगों को जो है वो नौकरियाँ मिलेंगी और उनको सहूलतें मिलेंगी, कुछ नहीं मिला। ये पीएफ बेस बना, उसमें भी चपरासी के लिए भी हमारे लोग जो है वो कबूल नहीं है। फिर ये थर्मल पावर प्लांट है, इसमें भी माहिगीरों को कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई। माहिगीर जब समंदर में जाता है तो वो जब जाल समंदर के अंदर फेंकता है तो उसका ये होता है कि वो उसको एक इंतज़ार होता है कि मुझे कितनी मछली मिलेगी। अगर डीप सी पॉलिसी के तहत अगर हम देखते हैं कि सेटेलाइट सिस्टम होगा, सेटेलाइट से तो पता चलेगा कि ये फ़िश कहाँ रखी है। फिर जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, जिसके पास वो सिस्टम होंगे, वो मछली ले जाएगा। और जो छोटा माहिगीर है वो बेरोज़गार हो रहा है, वो दिन ब दिन जो है वो गुर्बत की तरफ बढ़ रहा है, उसके हालात तो और भी ख़राब हैं। हमारी कभी हिस्ट्री में हमारी औरतों ने हमारे इलाकों से कदम बाहर निकाल के काम नहीं किया। आज हमारी ये नौबत आ गई है कि आज माहिगीरों के घर में जो चूल्हे चल रहे हैं वो सिर्फ उन औरतों की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि माहिगीरी में तो कुछ रहा ही नहीं है। दो दो तीन तीन दिन के बाद आते हैं, 15-15 दिन के बाद आते हैं, वो सिर्फ इतनी मछली लाते हैं जो शायद कर्जा जो है वो उतार सकते हैं। औरतें बेचारी घरों में जाती है डिफेंस में, ये जितनी ये जो DHA बना है, ये जो मैरीन क्लब बनी है, यहाँ हमारी औरतें बर्तन मांगती हैं। तो कल ये सिटी बनेगी तो इसमें भी यही हमारे लिए होगा, बल्कि हमें यहाँ रहने भी देंगे कि नहीं रहने देंगे। और जो है वो इरोजन भी हो रही है, उसको इरोजन को रोकने के लिए उन्हें शहर नज़र आया है जो और पोल्यूटेड करेगा हमारे पूरे इस सी को। एक पूरे कराची का गटर है, कहीं पर ट्रीटमेंट प्लान नहीं लगा हुआ। कराची का जितना सीवरेज है अनट्रीट जा रहा है, जितना भी केमिकल है वो अनट्रीट जा रहा है। उनके लिए इस किस्म के मंसूबे नहीं लगाए गए जो दुनिया में सब लोग लगा के बैठे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त माहिगीरी की। हमारे जो कुदरती वसाइल हैं, जो जिसमें हमारे मैंग्रोव सबसे बड़ा हमारा जो है वसीला है माहिगीरी की सनत का, वो उस तरह से ख़त्म हो रहा है, वो तबाह बर्बाद हो रहा है। तबाही का अमल शुरू हो चुका है। दिसंबर 2006 में 50 के करीब ख़ानदानों को जो बिंडार में रिहाइश पजीर थे और जहाँ यूसुफ शाह का मज़ार है, बड़ी बेदर्दी से इलाक़े बदर कर दिया गया। मुतबादिल छत की बात तो जाने ही दीजिए, इन्हें तो इस मोतबर जगह का भी ख्याल नहीं आया जहाँ माहिगीर साल से आ रहे हैं
اور ان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جزیرے کے باقی علاقے کو بھی سیکیورٹی کے نام پر قبضے میں کر لیا جائے گا۔ جلد ہی کشتیوں کے راستے بھی بند کر دیے جائیں گے۔ اس سال ہونے والا یوسف شاہ کا عرس بھی شاید آخری ہی تھا۔ اب کسی کو بھی یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ماہی گیروں کے لیے ان کی اپنی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ یہ لوگ جو پہلے ہی انتہائی مفلس ہیں، اب بے گھر بے یار و مددگار بھی ہو جائیں گے۔ انہیں حکومت کی طرف سے تو کبھی کوئی مدد نہیں ملی۔ یہ لوگ اپنے ہی خون پسینے کی کمائی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ کبھی ان کے گھر تھے، لیکن اب یہاں کچھ باقی نہیں بچا۔ بعض کم نصیبوں کو تو اپنا سامان سمیٹنے کا بھی موقع نہیں ملا، کیونکہ انہیں اس قیامت کے ٹوٹنے کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا تھا، نہ ہی کوئی معاوضہ دیا گیا تھا۔ بھلا ملک کے سب سے طاقتور لوگوں کے بارے میں شکایت لکھے گا کون؟ اب یہ منتخب سیاسی نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف ماہی گیروں کی بلکہ کراچی اور سندھ کے ان دیگر تباہ شدہ ساحلی علاقوں کی آواز بن جائیں جن سے بالواسطہ یا بلاواسطہ فائدہ تو پورا پاکستان حاصل کرتا ہے۔ جو غیر ملکی انویسٹمنٹ ہے جو آ رہا ہے، اور جو یہ دو جو شہر بسائیں گے، پراپرٹی انویسٹمنٹ جب یہ کریں گے تو ان کا جو دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت وہ زر مبادلہ لے کر آئیں گے، وہ بھی بہت حد تک صحیح نہیں ہے۔ چونکہ پراپرٹی ڈیولپمنٹ میں وہ جب ایک اعلان کر دیں گے کہ یہاں پر یہ پراپرٹیز بن رہی ہے، تو ایڈوانس بکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پاکستانیوں کے روپوں سے ہی یہ شہر بسائیں گے اور ڈالر میں اپنا منافع لے جائیں گے۔ ڈالر آنے کی امید تو نہیں ہے، لیکن ڈالر کا باہر جانا یقینی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شہر جب بسائے جائیں گے تو جو امیر طبقہ ہے وہ وہاں رہنے چلے جائیں گے، اور باقی کراچی شہر جو ہے یہ ایک کچی آبادی کا منظر اختیار کر لے گا۔ پھر وہی پرانی کہانی دہرائی جائے گی۔ بیچارے کمزور اور ناتواں تو طاقتوروں کی آہٹ بھری راستہ چھوڑ دیتے ہیں،